और संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में अब तक 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। इस घटना के मास्टरमाइंड ललित झा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी रिमांड याचिका में कहा कि संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना के पीछे ललित झा और उसके साथी सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं, साथ ही वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। साथ ही अदालत को बताया कि पुलिस इस घटना के पीछे आरोपियों के वास्तविक मकसद और इसमें क्या किसी अन्य दुश्मन देश के साथ साथ आतंकवादी संगठनों का भी संबंध से एंगल की जांच की जा रही है। बता दें आपको कि 13 दिसंबर की घटना है, जब दो शख्स दर्शन दीर्घा से परिसर के अंदर कूद गए थे। उसके बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। ललित झा से पूछताछ चल रही है और पुलिस का कहना है कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही थी, विदेशी फंडिंग का कनेक्शन भी तलाशा जा रहा है। संसद कांड में पुलिस ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ में ललित ने खुलासा किया, उसने 4 मोबाइल जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि अराजकता फैलाना चाहते थे, ऐसा पुलिस का कहना है। विदेशी फंडिंग का जो कनेक्शन है वो लगातार तलाशा जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें आपको कि पूछताछ में ललित ने कई बड़े खुलासे किए हैं अभी तक। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है? नेहा, इसे हम आतंकवादी घटना से जोड़ा जा रहा है और विदेशी कनेक्शन भी बार बार माना जा रहा है, क्योंकि विदेशों से इन्हें फंड किया जाता था ताकि देश में अराजकता फैला सके, देश में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जा सके और देश को दहलाया जा सके। दिल्ली से संसद पे हमला, मतलब देश से इस सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी इमारत पे हमला है। रक्षा मंत्री ने इन्हें बताया है कि उस पर संज्ञान किया जाएगा, आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है जी। और धीरे धीरे ललित से खुलासा किया जा रहा है। उसने फोन को क्रैश करने की कोशिश की थी ताकि सबूत मिटाया जा सके जी। अंकित, क्या इनका किसी राजनीतिक पार्टी से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जब हरियाणा की नीलम देवी का नाम आया था तो कांग्रेस से उसका नाम जोड़ा जा रहा था। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जब ये प्रोटेक्शन चल रहा था तो उसमें वो कांग्रेस की तरफ से नारा लगा रही थी और बीजेपी के खिलाफ नारा लगा रही थी, तो इस तरह से इसे कांग्रेस की तरफ से या फिर कांग्रेस इस घटना में शामिल हो सकती है ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष उस दिन आप देखिए, आप राज्यों के मंत्री का शपथ ग्रहण था, उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही थी कई तरह से, और इससे पहले पन्नू भी बोल चुका था कि हमला होने वाला है, तो इस पर संज्ञान ना लेना और थोड़ा सा सुरक्षा को देखते हुए इसे कह सकते हैं हम कि जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी के लिए।